हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के एलडी क्लास में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन दोस्तों, जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेल वार्डन, फायरमैन, लेखपाल, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके पहले दोस्तों हमने 7 वीडियो अपलोड कर चुका है दोस्तों, जिस किसी ने भी नहीं देखा वो जाकर वीडियो को देख ले दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा कल का चैलेंजिंग क्वेश्चन था, कामरूप नाम से किस राज्य को जाना जाता है दोस्तों। तो आपके ऑप्शन थे दोस्तों केरल, मेघालय, असम और तमिलनाडु दोस्तों। तो कामरूप नाम से जाना जाता है दोस्तों, असम राज्य को जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जहाँ पर खनिज तेल प्राप्त हुआ था दोस्तों? भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जहाँ पर खनिज तेल प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो आपके ऑप्शन है मणिपुर, असम, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, हो जाएगा असम राज्य है दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य किस राज्य में है दोस्तों? तो ऑप्शन है हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार की सबसे लंबी नदी किस देश में है दोस्तों? तो हमारे ऑप्शन है दोस्तों फ्रांस, अमेरिका, इंडिया और चौथा है मिस्र। तो कौन सी है दोस्तों संसार की सबसे लंबी नदी किस देश में दोस्तों? तो वो है हमारी मिस्र देश में, यानी ऑप्शन डी दोस्तों। एशिया के किस देश में सर्वप्रथम औद्योगीकरण हुआ था दोस्तों? एशिया के किस देश में सर्वप्रथम औद्योगीकरण हुआ दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन है पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा जापान और चौथा कनाडा दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जापान, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन कब से शुरू हुआ था दोस्तों? भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था दोस्तों, ऑप्शन 1874, 1862, 1857, 1947। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1862, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों, इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो हमारे ऑप्शन है जिनेवा, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, लियोन। तो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी लियोन, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। लियोन जो कहाँ पे है दोस्तों? फ्रांस देश में दोस्तों। किस देश में दोस्तों? लियोन जो हमारा है वो फ्रांस देश में है दोस्तों। किस देश में? फ्रांस देश में दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो हमारे ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, आइस हॉकी और बेसबॉल। तो ऑप्शन है हमारा दोस्तों ऑप्शन डी बेसबॉल है दोस्तों। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने किया था दोस्तों? तो हमारे ऑप्शन है पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पीसी महालनोबिस और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जहांगीर के दरबार में पंछियों का चित्र बनाने वाला कौन महान चित्रकार था दोस्तों? जहांगीर के दरबार में पंछियों के चित्र बनाने वाला कौन महान चित्रकार था दोस्तों? तो हमारे ऑप्शन है बीरबल, मंसूर, बाबा रहीम या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो हमारे ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी मंसूर जी थे। कौन दोस्तों? मंसूर जी थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय चावल शोध संस्थान किस राज्य में है दोस्तों? केंद्रीय चावल शोध संस्थान किस राज्य में है दोस्तों? तो ये है दोस्तों हमारा कटक, और कटक कहाँ पड़ता है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में पड़ता है दोस्तों, उड़ीसा राज्य में पड़ता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? कहीं कहीं पे कटक दिया रहता है दोस्तों, कटक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक्स किरणों की खोज किसने किया था दोस्तों? तो हमारे ऑप्शन है हेनरी बेकुरेल, मैडम क्यूरी, रोन्टजन और रदरफोर्ड। तो हमारे हो जाएंगे ऑप्शन सी डब्ल्यू सी रोन्टजन, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, यानी रोन्टजन हमारे सही, डब्ल्यू सी रोन्टजन दोस्तों। भारत में सबसे अधिक मक्का उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है दोस्तों? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है दोस्तों? तो हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और नई दिल्ली। दोस्तों कौन सा हो जाएगा ऑप्शन?
ऑप्शन सी राजस्थान, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। दोस्तों अगर किसी भी वीडियो का आंसर आपको पता है दोस्तों, तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें दोस्तों। अगला दोस्त क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा की मान्यता मिली है दोस्तों? तो ये कितने भाषाएं हैं दोस्तों, 14, 24, 20 या 22? तो कितने दोस्तों, तो हैं हमारे 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ये दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि जो ये 22 भाषाओं का उल्लेख है ये किस अनुसूची में है दोस्तों? तो किस अनुसूची में दोस्तों, 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया दोस्तों। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय नेशनल पार्क किस राज्य में है दोस्तों? बांदीपुर राष्ट्रीय नेशनल पार्क किस राज्य में है दोस्तों? तो हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी असम, डी गुजरात। तो कहाँ पे दोस्तों, तो ये है हमारे कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक राज्य में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में सोने की खान है दोस्तों? तो भारत के किस राज्य में सोने की खान है? तो ऑप्शन है दोस्तों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो कहाँ पे है दोस्तों? कर्नाटक राज्य, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है दोस्तों? इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है दोस्तों? लाल, हरा, नीला या पीला? तो इसका होता है दोस्तों वी आई बी जी वाई ओ आर, विभजोर। तो विभजोर यानी इसमें चौथा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो हमारा चौथा यानी जी, जी से ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है दोस्तों? किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है दोस्तों? नीला, पीला, लाल या बैंगनी? तो होती है दोस्तों लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब पूछ ले किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है दोस्तों? तो होती है हमारी दोस्तों बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों? नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली, मुंबई, खड़गवासला या लखनऊ? तो कहाँ पर दोस्तों? तो ये हमारा खड़गवासला, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान में चौथा स्तंभ किसे कहा गया दोस्तों? संविधान में चौथा स्तंभ किसे कहा गया दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन ए है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा प्रेस है। तो किसको कहा गया दोस्तों? तो ये कहा गया हमारा प्रेस को दोस्तों। किसको कहा गया है? प्रेस को, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। राष्ट्रपति को किसने, कितने आर्टिकल में कहा गया है दोस्तों? तो राष्ट्रपति को हमारा आर्टिकल मिला है 52 में, जो है राष्ट्रपति का वर्णन किया गया दोस्तों। संसद को दोस्तों, संसद का वर्णन है 79 में दोस्तों, और 80 में हमारा राज्यसभा की बात की गई है, और 81 में बात की गई है लोकसभा की दोस्तों। क्लियर हो गया दोस्तों, लोकसभा को आर्टिकल 81 में, राज्यसभा को 80 में, और राष्ट्रपति को 52 में, और संसद को दोस्तों, संसद को बात की गई 79 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेशनल पुलिस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, लखनऊ या हैदराबाद? तो कहाँ पर दोस्तों? तो ये है हमारा हैदराबाद है दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे ने किस राज्य में भूदान आंदोलन शुरू किया था दोस्तों? तो हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन था दोस्तों? भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन था दोस्तों? तो हमारे ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो कौन सा दोस्तों? तो ये हमारे आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा और गोदावरी के अलावा एक और कौन सी नदी बहती है दोस्तों? तो कौन सी नदी बहती है दोस्तों? गंगा नदी, नर्मदा नदी, तुंगभद्रा नदी और कोसी नदी। तो कौन सी नदी बहती है दोस्तों? तुंगभद्रा नदी बहती है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्कर मेला किस शहर में लगता है दोस्तों? तो पुष्कर मेला किस शहर में लगता है दोस्तों? हैदराबाद,
अजमेर, कोटा या इलाहाबाद? तो लगता है दोस्तों राजस्थान के अजमेर में, दोस्तों राजस्थान के अजमेर में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला और 25वां क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य के कारोबार का निष्पादन नहीं करता है दोस्तों? तो भारतीय रिजर्व बैंक है वो किस राज्य के कारोबार का निष्पादन नहीं करता है दोस्तों? तो हमारे ऑप्शन है असम, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और मिजोरम। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। दोस्तों आज आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा दोस्तों, भारत में हिंदी के बाद बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषा कौन सी है दोस्तों? ये दोस्तों आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले दोस्तों, और हाँ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।